और ये क्रॉस कर दिया है N115। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है एक नई वीडियो में आपका। और यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए बजाज की तरफ से पल्सर NS160 BS6 फेज 2 या 2.0 या BS7 भी बोल सकते हैं। ये E20 वाला वर्जन है जिसमें आपको ये अपडेट देखने को मिलने वाला है USD का। बाकी आपको यहाँ पे मीटर में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे अनलॉक में, यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर और फ्यूल रेंज देखने को मिलने वाले। बाकी कलर स्कीम इसमें नई आई थी। और दूसरी तरफ जो खड़ी है इससे भी लेटेस्ट बजाज की पल्सर N150 व्हाइट पर्ल इसका कलर है। इसमें तीन कलर ऑप्शन आते हैं आपको, ब्लैक, रेड और वाइट। बाकी यहाँ पे बात कर लीजिए स्पेक्स की, तो यहाँ पे आपको 150 सीसी का इंजन मिलता है, एयर कूल्ड इंजन। और यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलने वाला है, यहाँ देख सकते हो सिंगल डिस्क है। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलने वाली है, दोनों में आपको 5 गियर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको यहाँ भी आपको किक ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलने वाला है। बाकी PS पावर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 17 PS की पावर और 14 Nm टॉर्क देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको 14.25 PS पावर और जो है 13.5 Nm टॉर्क जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी ड्राइव को शुरू करते हैं, रेस करके देखते हैं कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेस्ट है दोनों सेगमेंट में। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आने वाले हैं। बाकी आई हो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करो इंस्टाग्राम फॉलो करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं N150 पे और शुभम भाई चला रहे हैं पल्सर NS BS7 वाली, तो चलिए। तो यहाँ पे NS BS7 जो है 160 वो इनिशियल पावर में अच्छी है। देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आने वाले हैं यहाँ पे। काफी गैप मेंटेन किया है लेकिन गैप ज्यादा देर रहेगा नहीं। क्रॉस कर दिया है N150 ने और काफ़ी जो है देख सकते हो गैप मेंटेन हो चुका है। ये रही है। उसमें लिमिटर आ गया होगा 9,500 पे, ये तो मुझे भी पता है। मौका दे दिया एक बार NS160 को, BS6 वाली मॉडल को, सॉरी BS7 वाले को, तो देखते हैं फिर क्रॉस कर जाएंगे हम बहुत प्यार से। मौका देने के बाद में भी NS आ नहीं पा रही क्योंकि उसका लिमिटर आ जा रहा है। तो गाइस जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जो है बाइक में इसमें जो 9,500 पे लिमिटर है जिसकी वजह से ये बाइक जो है 117-118 पे लॉक हो जाती है, लेकिन जो अपनी N150 है उसमें अभी तक मेरे को लिमिटर महसूस नहीं हुआ है। इसको मैंने 128 तक भगाया है और जो है इसमें जो है कहीं भी लिमिटर नहीं आया इससे पहले ली रेस में। यहाँ पे तो फिलहाल अभी 118-119 ही गई थी। बाकी एक बार राइडर भी स्विच कर लेते हैं, राइडर स्विच करके देखते हैं फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो चलिए शुरू करते हैं। वाओ क्या पावर है, माँ कसम, बस 9,500 पे इसका लिमिटर गलत दे दिया है।
लिमिटर नहीं होना चाहिए था इसमें यार। एक सौ सत्रह बस लिमिटर आ गया, लिमिटर लिमिटर लिमिटर। लेकिन यार ये गलत है, देख रहे हो कैसे लिमिटर पे बे कर रही है, 118 पे ही देख रहे हो, 9500 पे लिमिटर है इसका, अभी तक 150 आई नहीं है, पीछे लगी हुई है। बगल में चल रहे हैं बिल्कुल यार, मतलब ये देख सकते हो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, 150 कर रही है बजाज में, लेकिन इसका लिमिटर यार। लिमिटर से ये मार खा जा रही है, लिमिटर से मार खा जा रही है। तो गाइस जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यार इसका जो लिमिटर आ जा रहा है उसकी वजह से ये मार खा जा रही है बहुत गंदी तरीके से, मेरे जूते की वजह से हो रहा है, जूते खराब हो रहे हैं, गियर फंस रहे हैं, गियर फंस रहा है, लेकिन फिर भी वो टॉप एंड में निकल के चली आई है क्योंकि इसका जो लिमिटर है गाइस यार वो बहुत ही वाहियात किस्म का लिमिटर इसमें आ जाता है 118 पे। और यहाँ पे जो बजाज की पल्सर N150 वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छा इसने जो है दिया है, लेकिन अपना बेस्ट इसने निकाल के दिया, ये E20 वर्जन है BS7 वाला। और क्या यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आए हैं वो इनिशियल में थी N160 BS6 फेज 2, और जो टॉप एंड में निकल के आई वो है N150। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।